हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप काइन मास्टर से अपने वीडियो को स्लो मोशन में कैसे एडिट कर सकते हैं। क्या होता है कि जो लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उन लोग को स्लो मोशन में वीडियो एडिट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो आप काइन मास्टर से वीडियो को स्लो मोशन में कैसे एडिट करेंगे इसी के बारे में मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्लो मोशन में एडिट करने के लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा, तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर समझाते हैं। दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहां से आपको क्या करना है कि जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, तो प्लस के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहां पर थ्री ऑप्शन दिखाई देंगे। यहां पर आपको वीडियो का साइज सेलेक्ट करना है। यहां पास कितना है, 16:9। अगर 16:9 पर आप वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर 9:16 पर करना चाहते हैं, मतलब कि फुल स्क्रीन वीडियो एडिट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अगर 1:1 पर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। तो मैं फुल स्क्रीन पर करना चाहता हूं तो 9:16 पर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद यहां मीडिया पर क्लिक करेंगे। ये मीडिया सबसे ऊपर दिख रहा है ना, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां से आप अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। जहां पर आपका वीडियो होगा ना, वहीं से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहां पर वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं। एग्जांपल के लिए मैं यही वाला वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, इसके बाद यहां राइट पर क्लिक कर देंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। जैसे मैं इसको कट कर देता हूं, छोटा कर देता हूं। इस पर क्लिक करके यहां सीजर का ऑप्शन दिख रहा है ना, तो सीजर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सीजर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां आपको सेकंड नंबर पर क्लिक कर देना है। तो ये आपको वीडियो छोटा हो गया है। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को छोटा कर दिया हूं। तो इसको आपको स्लो मोशन में करना है। एक बार मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं, तो ये देखिए इस तरह वीडियो चल रहा है ना। अब इसको स्लो मोशन में कैसे करेंगे, तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, स्पीड। तो आपको स्पीड पर क्लिक कर देना है। स्पीड पर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आपको राइट की ओर स्क्रॉल करना है। ये देखिए, जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ना, तो इसी तरह आपको भी बढ़ाना है। ये बढ़ा देंगे ना, तो ये देखिए ये वीडियो आपका इतना लंबा हो गया है। तो अब ये देखिएगा स्लो मोशन में चलेगा। ये देखिए स्लो मोशन में चल रहा है ना। ये इस तरह आप स्लो मोशन में कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड बढ़ानी है, जल्दी जल्दी करना है, तो यहाँ स्पीड पर क्लिक करके इसको आप लेफ्ट साइड खींचेंगे। ये देखिए ये लेफ्ट साइड खींचा ना, तो ये आपका वीडियो जल्दी जल्दी चलने लगेगा। देखिएगा मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए ये वीडियो जल्दी जल्दी चलने लगा। और आपको स्लो मोशन में करना है तो यहाँ स्पीड पर क्लिक करके जितना इसको राइट की ओर करेंगे उतना ये स्लो मोशन में होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप वीडियो को स्लो मोशन में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ राइट पर क्लिक कर देंगे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ ऊपर एरो का निशान दिख रहा है ना, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, तो आपका वीडियो सेव होने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह आप काइन मास्टर से अपने वीडियो को स्लो मोशन में एडिट कर सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना कि काइन मास्टर से वीडियो को स्लो मोशन में कैसे एडिट करते हैं। और हाँ, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें यह बताया है कि आप काइन मास्टर से अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है, और जो ये वीडियो दिख रहा है ना, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।